कलेक्टर हर्ष दीक्षित ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील की कि राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन 13 सितंबर 2022 को किया जाएगा तथा इस दिन 1 से 19 आयु वर्ग के सभी बच्चों एवं किशोर किशोरियों को एक साथ पेट की कृमि से मुक्ति के लिए एल्बेंडाजोल की मीठी गोली खिलाई जाएगी तथा 16 सितंबर 2022 को कृमि मुक्ति हेतु मीठी गोली एल्बेंडाजोल के सेवन से छूटे हुए उक्त आयु वर्ग के बच्चों को उक्त दवा पिलाई जाएगी। हर्ष दीक्षित ने जिले के समस्त नागरिकों से अपील की कि जिले में ऐसे दिव्यांग जो 80% या उससे अधिक पैरों से अस्थि बाधित है एवं चल फिर नहीं सकते हैं और उनके हाथ क्रियाशील है, उन्हें मोटराइज्ड ट्राईसाइकल प्रदान करने प्रशिक्षण मूल्यांकन शिविर जिले की समस्त जनपद मुख्यालय में 9 एवं 10 सितंबर 2022 को लगाए जाएंगे। राजगढ़ जिले में उज्जैन द्वारा एवं जिला प्रशासन के सहयोग से 9 सितंबर 2022 को जिला विकलांग पुनर्वास केंद्र राजगढ़ जनपद पंचायत कार्यालय ब्यावरा एवं जनपद पंचायत कार्यालय नरसिंहगढ़ में तथा 10 सितंबर 2022 को जनपद पंचायत कार्यालय खिलचीपुर जनपद पंचायत कार्यालय जीरापुर एवं जनपद पंचायत कार्यालय सारंगपुर में प्रशिक्षण मूल्यांकन शिविरों का आयोजन किए जाएंगे। इनमें भारत सरकार की एडिप योजना अंतर्गत पात्र दिव्यांगजनों को मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल उपलब्ध कराने हेतु दिव्यांगजनों का चयन किया जाएगा। नमस्कार, ऐसे दिव्यांग जो 80% या उससे अधिक पैरों से अस्थि बाधित है एवं चल फिर नहीं सकते लेकिन जिनके हाथ क्रियाशील हैं उनको मोटराइज्ड ट्राईसाइकिल प्रदान करने के लिए जो परीक्षण कैंप है वो जिले में 9 सितंबर और 10 सितंबर इन दो दिवसों में लगाए जाएंगे। 9 सितंबर को जनपद कार्यालय राजगढ़ ब्यावरा एवं नरसिंहगढ़ तथा 10 सितंबर को जनपद कार्यालय खिलचीपुर जीरापुर एवं जनपद कार्यालय सारणपुर में परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में उपस्थित होते समय आप सभी लोगों से ये आग्रह है कि आपके आसपास या आपके परिवार में या आपके जानने वालों में अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो 80% पैरों से विकलांग है लेकिन हाथों से सक्षम है तो इन कैंप में उनको लेके आ जाएं। कैंप की पात्रता इस प्रकार से है कि जो मासिक आय है वो 22,500 रुपये से कम होनी चाहिए, 80% का विकलांगता का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि प्रमाण पत्र नहीं भी है तो आप वहाँ पे उपस्थित हो जाएं, वहाँ पे हमारी टीम रहेगी जो प्रमाण पत्र मौके पे ही जारी कर देगी। इसके अलावा आपके पास 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके अगर आप आ सकते हैं, अपने निवास का प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, कोई ऐसा प्रमाण पत्र जो आपको पहचान पत्र या प्रमाण पत्र तो उसकी आवश्यकता हो, ये लेके आप जनपद पंचायत कार्यालय 9 सितंबर और 10 सितंबर ये दो दिवस में कैंप रहेगा। 9 सितंबर को मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, नरसिंहगढ़ में, राजगढ़ में और ब्यावरा में, और 10 सितंबर को खिलचीपुर में, जीरापुर में और सारणपुर में। अधिक से अधिक संख्या में जो लोग को आवश्यकता है उनको लेके इस कैंप में आए और इस कैंप का लाभ। राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन 13 सितंबर को किया जाएगा। पेट में जो कीड़े होते हैं उनकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं कई बार उनकी जो ग्रोथ होती है वो पूरी सही ढंग से नहीं हो पाती है। इस कुपोषण में एक बहुत मेजर कारण पेट में कीड़े होना भी है। जो राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस है इसका आयोजन का मकसद ही ये है कि जो पेट में कीड़े हैं उनको मारने की दवा हर एक बच्चे तक पहुंचाई जाए और हर एक बच्चे को खिलाई जाए। 13 सितंबर को सभी स्कूलों में, सभी आंगनवाड़ी में, सभी ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह एल्बेंडाजोल की जो मीठी गोली है जो कि जो पेट में वॉर्म्स रहते हैं, कीड़े रहते हैं, उनको मारने के लिए यूजफुल रहती है, वो सभी जगह बच्चों को दी जाएगी। आप सभी से आग्रह है कि ये आप लोग अपनी तरफ से भी ये इंश्योर करें कि जितने भी बच्चे हैं 1 साल से लेकर 19 साल के, 18 साल के, उन सभी को ये गोली मिल जाए और वो इस गोली का यूज़ करें। इस गोली को यूज़ करने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्देश ये है कि गोली चबा के खानी है, बिना चबाए पानी के साथ नहीं खानी है, गोली चबा के खानी है। कम्प्लीटली सेफ गोली है, इसके बारे में कोई भ्रांतियाँ अगर कोई आपको बताता है या फैलाता है तो उसको विश्वास ना करें। ये गोली खा के हम कुपोषण मुक्त राजगढ़ बनाने की तरफ एक कदम बढ़ा सकते हैं।
राजगढ़ से नाजनीन अल्ताफ की रिपोर्ट।